जय गुरुदेव, सभी भाइयों बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है गुरु भाई, आ रही है। जय जय गुरुदेव। आज जितेंद्र जी गुरु भाई नहीं है लग रहा, और पंकज जी गुरु भाई भी बीमार है, इसलिए मैं ही सेशन को शुरू करता हूँ गुरुदेव की कृपा से। सबसे पहले जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव की जय। गुरुदेव की कृपा से होने वाले इस प्रतिदिन के सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और साथ ही साथ अपने अनुभवों को साझा करने के इस प्रोग्राम में मन से जुड़े हुए सब गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। इस मंच का संचालन और ये जो प्रोग्राम, प्रतिदिन का प्रोग्राम जो चलता है, ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही चलता है, और गुरु कृपा पाने के लिए ही हम इस सेशन का प्रतिदिन संचालन करते हैं। जो भी लोग इस सेशन से जुड़ते हैं, सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं समय, शाम को बैठ के इस सेशन के माध्यम से हम गुरु सत्संग करें, गुरु की कृपा पाने के लिए। और यह कार्यक्रम पिछले एक साल से गुरु कृपा से अबाध गति से चल रहा है। हमारे इस सिद्ध योग जो कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अनूठा उपहार है, आप कहीं भी हो, इस पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, आज के YouTube के माध्यम से इस सियाग सिद्ध योग की जानकारी ले सकते हैं। YouTube में गुरुदेव के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उनको सुनकर आप गुरुदेव के मुख से ही इस दर्शन की पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। खूब सहज और सीधी आराधना की पद्धति गुरुदेव ने हमें बताया है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता है, केवल गुरुदेव के मुख से संजीवनी मंत्र का सुनकर उसका मानसिक जाप करना पड़ता है। जितना अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं, उतना ही हम तेजी से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। मंत्र जाप ही चाबी है, इसका हमेशा हमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे मंत्र जाप के ऊपर जो हम लोग परिश्रम करते हैं, उसी उसी के फलस्वरूप हमारा ध्यान लगता है। गुरुदेव के आदेश अनुसार हम प्रतिदिन सुबह 15 मिनट और शाम 15 मिनट खाली पेट में गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर देखते हुए हमें ध्यान करना होता है। और ध्यान के दौरान बहुत सारी यौगिक क्रियाएं होती है, बहुत सारे साधकों को अलग अलग प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती है। गुरुदेव के कथनानुसार, गुरुदेव की संजीवनी मंत्र को सुनते ही, गुरुदेव के श्रीमुख से सुनते ही हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, और जागृत होकर योग कराती है। और कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में स्थित रहती है, उस मूलाधार से ऊपर उठते हुए जब हम साधना हमारी आगे बढ़ती है, तो ये उठते उठते जब सहस्त्रार में पहुंच जाती है अपने शिव के पास, शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्त्रार में स्थित शिव के पास से जब मिलन हो जाता है, तभी मोक्ष का एहसास होता है। मोक्ष तब उसी को हम लोग मुक्ति कहते हैं। बस हमें ये एक दिन में होने वाला चीज नहीं होता है। साधना सबके प्रारब्ध, सबके पास्ट संस्कार के अनुसार गुरुदेव की, साथ ही साथ गुरुदेव की कृपा और हमारे मंत्र जाप के ऊपर परिश्रम के फलस्वरूप ये साधना होती है, ये मुक्ति हम लोगों को मिलती है, मुक्ति मोक्ष की ओर हम लोग गमन करते हैं। सत्संग का प्रभाव, सच्चाई का असर
इतना स्थायी और गहरा होता है कि एक बार जिज्ञासु बनकर आने वाला जीवन भर उस अनुभूति को नहीं भूल सकता। सत्संग का मतलब सच्चाई का संग करने से। जिस प्रकार आग के पास जाने से गर्मी महसूस हुए बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से सत्संग का असर होता है। सच्चा गुरु उस परम चेतन सत्ता से सीधा संपर्क रखता है। अतः ज्यों ही आपके हृदय के तार उनसे जुड़े कि आप में भी वह सात्विक प्रकाश प्रकट होने लगेगा। ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम लोग गुरु के प्रति गुरु के सानिध्य में बैठेंगे, इस सत्संग में बैठेंगे, गुरु चर्चा करेंगे और दिन भर गुरुदेव का ही ध्यान करेंगे, तो ज्यों ज्यों उनका सानिध्य और प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रकाश स्पष्ट और तेज होता जाएगा। वैसे ही उस दिव्य प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जीव ज्यों ज्यों उस परम सत्ता के करीब जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। बहुत सुंदर कथन है गुरुदेव का। जैसे जैसे हम उस परम सत्ता के करीब जाते हैं और साथ ही साथ आकर्षण माने उस परम सत्ता के प्रति आकर्षण और हमारी आध्यात्मिक जो प्रगति की गति है वो भी और तेज हो जाती है। तो हमें माने एक कदम उस परम सत्ता की ओर बढ़ाना है, परम सत्ता 100 कदम गुरुदेव के माध्यम से आगे बढ़ती है। इस प्रकार जीव जो उस परम सत्ता के करीब जाएगा, आकर्षण और गति निरंतर तेज होती जाएगी। यह होता है सत्संग का प्रभाव, यही होता है सत्संग। जितना हम गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव के मिशन के प्रचार के लिए सत्संग को जारी रखेंगे, उतना ही उसका अच्छा प्रभाव हमारे आध्यात्मिक उन्नति पर दिखाई पड़ेगा। इससे भिन्न सब धोखा है। इसके अलावा जो भी हम लोग करते हैं इस संसार में, संसार तो स्वप्नवत है, सारा संसार ही स्वप्न है, स्वप्न की भांति है, तो इससे अलग कुछ भी हम लोग अगर करते हैं तो केवल एक धोखा है। चलिए, अब मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मंच में जुड़े हुए साधकगण से अनुरोध करूंगा, यदि उनका कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या अनुभूति साझा करना चाहते हैं तो कृपया कैमरा ऑन करें, माइक अनम्यूट करें, हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। गुरु सत्संग, गुरु की कृपा सब बखान करें। अब हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के साथ जुड़ने से हमारे जीवन में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं उसको हमें संसार को बताना है। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन, मन से जुड़े हुए हैं तो कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई अनिर्वाण, हाँ बोलिए गुरु भाई। अनिर्वाण जी को ले लीजिए, इसके बाद में उमा मीना जी कई दिनों बाद जुड़ी है उनको भी लीजिएगा। अनिर्वाण जी को ले लीजिए पहले। जय गुरुदेव अनिर्वाण गुरु भाई जी, आपका स्वागत है। जय जय गुरुदेव। कृपया कैमरा भी ऑन करें, कैमरा ऑन करें गुरु। जय प्रणाम। प्रणाम। चलिए गुरु भाई, आप कलकत्ता से जुड़ते हैं, बहुत शुरुआती अनुभव आपका हमने सुना है, बहुत दिव्य अनुभव आपके हुए हैं। आप बताइए साधना कैसे चल रही है वर्तमान स्थिति? अभी गुरुदेव सामने ही है, दिन बात हो रहा था पंकज गुरु भाई से, क्रांति गुरु बहन से बात हो रहा था मेरा। तो जब मेरी शुरुआती समय था उस समय सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब थे, मुझे ना नींद आता था और नींद की गोली, उसके बाद डिप्रेशन की डबल डबल गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आता था। हम जब सोचते हैं कि शुरुआती समय में तो मंत्र जाप नहीं कर पाते थे,
इतनी रेस्टलेसनेस थी। लेकिन अब जब सोचते हैं कि उस समय तो हम कुछ भी कर भी नहीं पाते थे, तो हम सोचते हैं कि हमने किए नहीं, हमने नहीं किए, हमने कुछ भी नहीं किए, ये मैं है ही नहीं, जो किए गुरुदेव ही किए, गुरुदेव ही मुझे करवाए उनका आशीर्वाद कि छत्र छाया कि श्री चरण कमलों की छत्र छाया तले मुझे जगह दी, आश्रय दिया और मेरा प्राण का संरक्षण उन्होंने किया। जो स्थिति था बहुत ही खराब था। तो एक दिन ऐसे सोच रहे थे कि मैं शुरुआती समय में श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उनका पाठ करता था, तो पाठ करता था रेगुलरली, और करते करते ऐसा हुआ कि हमको ये समझ में आया कि जो मेरी स्थिति है, मुझे आध्यात्मिक रास्ते में, आध्यात्मिक मार्ग में, दिव्य मार्ग में हमको चलना पड़ेगा। लेकिन ये भी समझ में आया कि बिना समर्थ सद्गुरुदेव के बिना नहीं। तो हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अध्ययन करते थे, पाठ करते थे, और काफ़ी बार ऐसा हुआ, अभी मैं याद करके, मतलब एकदम हाथ जोड़ करके याद करके बोल रहा हूँ कि उस समय ये था कि मैं बहुत बार रो पड़ा एकदम, ग्रंथ को छाती में लेके, सर में लेके और करके एकदम रो पड़ता था कि प्रभु मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए, आपके बिना तो मेरा जीवन असंभव है, आप कोई नहीं बचा पाएगा, जो सिचुएशन है खड़ा हुआ है, मेरा जान आप ही बचा सकते हैं, कुछ भी कोई। तो ये ध्यान मेरा पहले नहीं आया, उसके बाद जब हम सोचे कि जब हम रो पड़ते थे ऐसे हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद मेरा गुरुदेव का मैं कृपा छाया तले मेरा आश्रय हुआ, गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर में रखा। तो मैं जब दो दिव्य घटना को जब कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि गुरुदेव स्वयं कृष्ण भगवान है। तो जब क्रांति गुरु बहन से बात हो रहा था, तो उन्होंने बोले आपको भगवत ग्रंथ का पाठ का फल मिल गया। तो ये मैं कनेक्ट, मतलब बीच में नहीं, अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में, मतलब सर में जैसे लगा कि अचानक से आया कि ये। दूसरी बात है कि तब मैं थोड़ा सा और, मतलब सोचा, जब ये मेरा ध्यान गया कि हाँ ऐसा है, अब मैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ को छाती में लगा के रो पड़ता था, कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता था कि आपको छोड़ के तो मेरा प्राण कोई नहीं बचा सकता भी। यह के बाद गुरुदेव अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर में रखा, उनके श्रीचरण कमलों में मेरा स्थान आश्रय हुआ, और दो महीने पहले के भी क्लिप होंगे, वीडियो का क्लिप होगा, आज दो तीन महीने के बाद फिर से अब बात है कि मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, जब सोच रहा हूँ, गुरुदेव के सामने ही बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरा नींद तो बिल्कुल भी नहीं, नींद तो एकदम था ही नहीं। तो उसके बाद हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की गोली बंद हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद का जो गोली था वो आधा हो गया, फिर मैं एक दो दिन छोड़ छोड़ के आधा नींद गोली खाता था, फिर अभी बंद ही हो गया है, अभी बिना नींद की गोली में सो रहा हूँ। दूसरी बात है कि एक दिन ऐसे ही हो रहा था कि एक घटना, एक दिव्य घटना याद आ रहा है कि मैं इसी घर में, मैं, मेरे पापा और पिताजी, मेरी माता जी वो बैठ के, और ऐसे लैपटॉप खुला हुआ था उस दिन, देख रहे थे सत्संग का वीडियोस देख रहे थे और चर्चा आप कर रहे थे गुरुदेव के बारे में। अचानक से ऐसा लगा कि कुछ दिव्य सुगंध, एकदम कुछ ही क्षणों के लिए, दो तीन सेकंड के लिए मुझे लगा, और मैं मेरे पापा को बोलने गया कि पापा आपको भी लगा के, पापा बोले मैं बोलने गया था तुमको,
तो उसके पहले मैं बोल पड़ा। सुगंध, ईश्वरीय सुगंध था, मतलब वो आप मतलब बोल नहीं सकते कुछ। तो ऐसा था। और एक दिन भी हुआ कि मेरा रात में नींद नहीं आ रहा था, तो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि नींद आ जाए नींद आ जाए। तो कुछ बहुत ही मीठा सुगंध एक दिन फिर से महसूस हुआ और फिर मुझे कुछ पता नहीं, मैं सो गया। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। मैंने ऐसी अद्भुत कृपा, मैं 2-3 महीने पहले जिस नींद की गोली खाने से नींद आता था, अभी मैंने गुरुदेव की कृपा से दिव्य सुगंध, हमारी साधना का जो एक अंग है दिव्य सुगंध दिव्य गंध, वो आ जाती है और आपको नींद मिल जाती है। मैंने असंभव, मैंने साइंस इस चीज को कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ऐसी कोई घटना घटती है हमारे जीवन में। मतलब भाई, वो तो कुछ अलग ही थे। अभी आप देखेंगे ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा 2 महीने पहले की ना, आप मेरा देख लीजिए वीडियो क्लिप ही होंगे, पूरे बाल सफेद थे देखिए और सब काले हो गए। सब हो, खाना पीना बंद था, खाना पीना गुरुदेव की कृपा से खाना पीना भी चालू हो गया है, मतलब शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, खा रहे हैं। सैलाइवा सिक्रेशन जो था वो भी बंद हो गया था, सैलाइवा मेरा सूख गया था, सैलाइवा ये जो लाड़ होता ना वो एकदम वो लाग गया। खाना में निगल नहीं पाता था, मेरा नर्व इतना डैमेज था, खाना निगलने में प्रॉब्लम था, मसल डैमेज। तो अभी खाना निगल पा रहा हूँ, ये सब मसल पूरे ढीला हो गए थे, वो अभी पहले से ठीक है। और जब हम सोचते हैं कि गुरुदेव बोलते हैं कि योग साधना में पहले है आसन सिद्धि, अगर पद्मासन लगेगा तो खुद ही लगेगा, और मेरे साथ वही हुआ, मैं भी पद्मासन में घंटों घंटों बैठा रहता हूँ ऑटोमेटिक। यस, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आसन सिद्धि ऑटोमेटिक योग के माध्यम में हो रही है। हम लोग परिश्रम करने की आवश्यकता है। अब देखिएगा मैं भी ऐसा ही बैठा हूँ कंटिन्यू। जी जी जी। और बस क्या ही बोलेंगे अब कुछ शब्द नहीं आ रहे अब घटना ये है कि मेरे घर में ऐसा स्थिति है कि मेरी जय गुरुदेव, मैं बीमार हूँ, मेरा मम्मी भी थोड़ा सा, माता जी सब चीज़ घटना देख इतना परेशान हो गई थी, मेरे साथ जो घटना हुआ था वो भी थोड़ा मेंटल टेंशन में आ गए। तो रह गए पापा, तो पापा एक दिन ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ कि पीछे से कोई कार पापा को टक्कर मारा, लेकिन पापा का गाड़ी का कुछ नहीं हुआ, उस गाड़ी का सामने सब टूट गया। तो पापा सामने गए, पीछे से एक और एक बंदा बाइक लेके दौड़ दौड़ के आ रहे कि अंकल अंकल आपका तो कुछ नहीं हुआ, वो धक्का मारा, आपका तो कुछ नहीं हुआ, उसका सब टूट गया सामने वाला। पापा देखा, हाँ धक्का तो मारा था लेकिन मेरे गाड़ी में खरोंच तक नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। पापा भी साधना से गुरुदेव से भी जुड़े हैं, सब देखे। एक दिन देखे, एक्चुअली उनको ये अचंभित हुआ था कि मेरे कान में ना इन्फेक्शन था, पानी था, वो हमको भी पता नहीं था कि क्या था। तो क्या हुआ था, वो एक दिन दिव्य घटना की, वो धक्का अचानक अंदर से आ रहा है और पानी निकल रहा है, पापा खुद देख रहे कि सब निकल रहा है। बोले कैसा हो रहा है ये, फिर उनको लगा कि तो मैं तो खुद प्रत्यक्षदर्शी खुद देखे हैं हमने, पापा जुड़े। फिर पापा को भी और एक दो बार शायद दिव्य सुगंध का महसूस हुआ है। बहुत सुंदर गुरु भाई, मैंने एक्चुअली ना, मैंने साइंस के क्षेत्र में हम लोग को बाहर से ऑपरेशन करने के लिए काट पीट करके भीतर जाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ही तो हमारे गुरुदेव की कृपा से भीतर से योग होकर जो भी गंदगी है बाहर निकल रही है, जो भीतर से, और somebody else is doing something, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं।
गुरुदेव की कृपा से है? गुरुदेव की कृपा से। तो हम जब सोचते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव माता जी है तो जी जी। हम जब शुरू हमने मंत्र जप किए तो अभी सोचते कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, हमने कुछ नहीं किया। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मैं कभी आना नहीं चाहिए, ये मैं अगर है अंदर में, जितने मैं है वो मैं को निकाल दीजिए, अंदर खाली कर दीजिए, मैं नहीं आना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है माने हम माने जब तकलीफ में होते हैं तो हमारी उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं होती कि हम लोग, मन पूरा बेचैन रहता है, तो उस अवस्था में हम लोग माने मंत्र जाप भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग अगर करुण प्रार्थना किए होते हैं, हे परमात्मा हे गुरुदेव आप बचाइए, तो क्या होता है तब गुरुदेव कृपा करके आपसे सब कुछ करवा लेते हैं। अदरवाइज मैं करता हूँ आप मंत्र भी नहीं जाप सकेंगे। मंत्र तो मैं जाप ही नहीं पा रहा था शुरुआती समय में। जी 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 है। अब हुआ क्या, मुझे अभी लगा कि एक दिन, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा समय में, 5-7 दिन बाद शायद, तो तब नींद नहीं आता था जब मंत्र जाप गुरुदेव से प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके मंत्र जाप का कोशिश कर रहा हूँ, प्रार्थना भी करता था कि गुरुदेव आपकी कृपा करें। तो एक दिन मुझे रात में अचानक से, तभी शुरुआती समय में नींद नहीं आता था, तो एक दिन शायद मंत्र जाप गुरुदेव की चिंता करते थे, सो गए, 2-3 घंटे बाद नींद अचानक से खुल गया। तो नींद जैसे ही खुल गया मुझे लगा एकदम नींद खुल गया, मतलब तब तो बहुत टेंशन, रेस्टलेस, एंग्जाइटी बहुत सारे, एकदम मतलब एकदम रेस्टलेस, नर्व डैमेज हुआ है, पता नहीं क्या क्या डैमेज हुआ, तो सब गुरुदेव भी जानते हैं, हमको तो पता नहीं। हमको तो ये पता है कि मेरा खाने में प्रॉब्लम था, नर्व के डैमेज था, इतना समझ में आता था। तो ये समझ में आया, हाँ जो बोलने गए थे गुरुदेव, हाँ जय गुरुदेव, जो बोलने गए थे रात में, जब अचानक से मैं बिस्तर से नींद खुल के खड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि एकदम मंत्र जाप जो है ना स्पष्ट हो रहा है अंदर ही अंदर, ऑटोमेटिक, हाँ हो रहा है, मुझे लगा पहली बार लगा, जबकि मैं जागृत कॉन्शियस कंडीशन में जाप नहीं पा रहा हूँ, अनकॉन्शियस कंडीशन में जब खड़ा हो गया अचानक से नींद से, तब मुझे लगा कि जाप हो रहा, जपा जा रहा है। यस यस, This is the grace, हाँ? इसी को बोलते हैं कृपा, माने हम कुछ नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव खुद पकड़कर वो मंत्र, जिस मंत्र के जाप से हम लोगों को सब कुछ मिलने वाला है वो खुद ही चालू कर देते हैं। और वो मंत्र एक बार जब चालू हो जाने के बाद, माने वो तो परमात्मा का ही मंत्र है, गुरुदेव की दिया दुआ हुआ वो मंत्र ऑटोमेटिक राउंड द क्लॉक जब चालू हो जाता, तो कृपा तो बरसनी है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, और एक केवल मात्र कृपा से हम लोग चाह कर भी मंत्र जाप नहीं कर सकते, केवल मात्र गुरुदेव की शरण में जाके हम लोग कृपा जब गुरुदेव बरसाते हैं तब ये चमत्कार घटित होता है जीवन में। जब ऑटोमेटिक मंत्र है, हम लोग बुद्धि के प्रयास से मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कहीं उच्च अवस्था जो ऑटोमेटिक भीतर में मंत्र चलता है और हम सुनते हैं, वाह बताइए गुरु भाई, बहुत सुंदर। हाँ, तो एक दिन हुआ क्या, आप गुरु भाई आप बोलते बने रहिए, माने बुद्धि जी गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। हाँ, बुद्धि जी गुरु भाई जी स्वागत है, बुद्धि प्रकाश जी भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुवान जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका क्या ये है अभी का, थोड़ा स्टेटस बताइए, जो तांत्रिक किया का आपके ऊपर असर किया गया था, और आप बताए थे शुरू में कि आपके सारे जो है वो अंग जो है मतलब सारे बॉडी पार्ट्स जो है डैमेज करवा दिए थे, तो अभी क्या प्रोग्रेस है गुरु भाई गुरु कृपा से, वो थोड़ा बताइए। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो आपको आराम लग रहा है, तो गुरु भाई थोड़ा बताइए। जय गुरु, मैं सब बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, गुरुदेव परमपिता परमेश्वर तो हमारे परमपिता ही हैं, हम उनके संतान हैं, बस
कभी कभी बोलने में निकल नहीं रहा है। हाँ तो पापा गुरुदेव के लिए फूल की माला खरीदने गए। पापा के पास 20 रुपये थे पॉकेट में, 10 रुपये के फूल, 10 रुपये के माला। तो जो मौसी थी फूल बेचने, तो पापा फूल खरीदे खरीदने गए। तो मौसी जो माला दे दी, बोले तो 20 रुपये का है, ठीक है ठीक है आप ले लीजिए करके। और पापा जब गए तो वो माला दे दिया, और पापा बोल रहे कि मैं सामने देख रहा हूँ वही माला मुझे 10 रुपये में दिया गया, सेम माला, और दूसरा आदमी को 30 रुपये में दे रहा है। तब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव जानते हैं। मैंने इतना ख्याल कोई रख सकता है, ठीक है, जो जानता है आपके पॉकेट में कितना है, ठीक है, आपकी कितने सामर्थ है, हाँ, और आप क्या खरीदने जा रहे हैं, और उस माने जो फूल बेचने वाले उसका मन कैसे परिवर्तन किया जाए, हाँ, ये सब माने हम तो अपना ही मन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, गुरुदेव सामने वाला का मन परिवर्तन कर देते हैं, इतनी सामर्थ। मुझे एक चीज भी लग रहा है कि अचानक से कि फूल आजकल थोड़ा घर में ज्यादा आने लगे हैं। जी जी जी, मतलब ये मतलब ये बोल रहा हूँ कि जो है फूल देती हैं वो शायद अपने अंतर ये से ही फूल हम लोग के लिए, हम लोग मतलब गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के लिए, हम लोग गुरुदेव की सेवा के लिए ये दे रहे हैं, ऐसा है। ये अगर सूक्ष्म तरीके से सब जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि फूल, दूसरी बात है कि जैसे बुद्धि मीना जी गुरु भाई बोल रहे थे कि मेरी क्या क्या था, इनफैक्ट मैं भी बैठा हूँ, मेरे साथ अभी भी कुछ योगिक क्रिया मतलब नॉन स्टॉप 24 आवर्स होते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी में बोले तो बिना रुकावट 24 घंटे शुद्ध हिंदी यूज करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। दिव्य शक्ति के बारे में, दिव्य ईश्वर के बारे में जब बात चर्चा करते हैं तो हमारी मन प्राण शब्द भी वही तरीके से तोला जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम बोलते हैं गुरुदेव को कभी, गुरुदेव जब आपके और ईश्वरीय कोई भी शक्ति के ईश्वरीय शक्ति आपसे जुड़े हुए कोई भी चर्चा हम करेंगे तो हमारे शब्द भी वही उतना ही होना चाहिए, उस उतना सटीक होना चाहिए, यस शब्द, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति है, आध्यात्म है, ईश्वरी है, भगवान है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, और शब्द भी ऐसा होना चाहिए कि उस शब्द में भक्ति और श्रद्धा जुड़ी होना चाहिए हर शब्द में। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छी हिंदी भी बोल रहे हैं गुरु भाई, ठीक है, सटीक शब्दों का चयन करते हुए बहुत सुंदर। तो यह है कि मेरे नर्व इतने डैमेज हो गए थे, बहुत रेस्टलेस था पहले से, मुझे लगता है कि नर्व्स काफ़ी हील हो चुके हैं, आजकल थोड़ा थोड़ा ये भी लगता है कि मुझे भूख भी लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी जो लीवर कंडीशन है पहले से बेटर है, क्योंकि मैं बोल रहा था मेरा जो स्टूल था, मेरा जो स्टूल था ब्लैक हो गया था, मतलब ब्लैक मतलब आपका बाइल निकलना बंद होना, लीवर डैमेज होना मतलब आपका पित्त जो है बाइल है वो जनरेट होना बंद हो जाता है। अब जब आपका स्टूल फिर से येलो होने लग रहा है तो आपको ये लग रहा है कि आपका बाइल जनरेट हो रहा है, मतलब आपका लीवर रिकवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे राइट साइड में ये जो रिकवर हो रहा है गुरु भाई, ये क्या आप मेडिसिन अभी भी खा रहे हैं क्या? मैं विदाउट, नहीं ये बोलना भूल गया, मैं अभी विदाउट मेडिसिन हूं, नो मेडिसिन, वो जो नींद की गोली था लास्ट था, उसके बाद सब बंद, अभी कुछ नहीं, नथिंग, कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी मेडिसिन नहीं है, मैं टच करता कोई मेडिसिन नहीं है, मेरे आँख येलो हो गए थे फिर से व्हाइट हो चुका है। मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी जो दृष्टि शक्ति पहले जो डाउन हो गया था मैं देख पा रहा हूँ, मेरे आँखें में जो टीयर ग्लैंड है ना वो भी सूख गया था, आंसू,
अभी मुझे ये लगता है कि मैं कंटिन्यूअस अगर लैपटॉप में बैठा रहता हूँ, काम करता हूँ, गुरुदेव की वीडियोस देखते हैं, तो मुझे आँख सूखने वाला चीज वो महसूस नहीं हो रहा है। इवन ये जो है लेके आए थे टीयर, वो आर्टिफिशियल लो भी लेके आए हैं लेकिन यूज नहीं किए, खोले ही नहीं अभी। जी 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 बहुत सुंदर। होंठ पहले से रेड हो चुके हैं, मतलब पहले से रिकवरी तो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। इनफैक्ट जो स्थिति था अभी, तो मैं कंटिन्यूअस देखिए दो महीने पहले जो बात की था शायद अभी बहुत शांत होके बात कर रहा था, बहुत रेस्टलेस था। Yes. Yes, yes. सब गुरुदेव की कृपा है, बस इतना ही बोलेंगे कि जैसे थोड़ा ठीक हो जाए। पहला ये है कि गुरुदेव की जो दिव्य ज्योति स्थल है, समाधि स्थल से ज्योति स्थल, दिव्य ज्योति स्थल बोलना मुझे अच्छा लगता है, तो दिव्य ज्योति स्थल में पहले तो आना है एकदम। जिन्होंने जीवन दान दिया उन्हीं के पास, उन्हीं के चरणों में जाके सर झुकाना है पहले। अब मेरा हालत बहुत खराब हो गया था, अब सोच नहीं पाएंगे। आई वाज अबाउट, मतलब फिर से मैं मेरा एकदम मतलब कुछ भी नहीं बाकी था। कैसे पता चला आपको गुरुदेव के बारे में? फिर से वही गुरुदेव भी हमको पकड़, मैं वही चीज मतलब वही प्रसंग, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, वही प्रसंग मैं आपको बोल रहा था कि मुझे अचानक से एक दिन मतलब दिमाग में ऐसे लगा कि मैं भगवत शास्त्र का पाठ करता था और भगवत शास्त्र को एकदम हृदय में लगा के सर में करके प्रभु बचा लीजिए कैसे भी करके। ये घटना जब मैं था, उसके कुछ ही दिनों बाद गुरुदेव की श्री चरण आश्रय हुआ, तो मैं दो ये घटना को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि गुरुदेव स्वयं कृष्ण भगवान है। आपने प्रार्थना तो कृष्ण भगवान से ही की थी, इसीलिए कृष्ण भगवान ही जीवन में आया है गुरुदेव के रूप में। यस कैसे पता चला ये बताइए। वैसे आप पहले बोले थे लेकिन फिर भी जस्ट एक दो लाइन बताइए। मैं तो हाथ जोड़ के यही बोलूंगा कि वही है कि गुरु शिष्य कभी गुरुदेव को तो ढूंढ ही नहीं सकता, गुरुदेव ही तो अपनी कृपा से अपने शिष्य को अपने, जैसे गुरुदेव प्रकाश हैं उन प्रकाश पे हम शिष्य को, हर शिष्य को प्रकाशित करते हैं। गुरुदेव की प्रकाश के बिना तो कोई शिष्य प्रकाशित नहीं हो सकता। तो एक दिन ऐसे ही जो भी हुआ गुरुदेव की कृपा से ही हुआ है। अब एक दिन हम YouTube में सर्च कर रहे थे कि गुरुदेव कैसे, मतलब तो अचानक से मेरे पास पहले आया गुरुदेव सियाग और कुछ कांटेक्ट डिटेल्स था, तो मैं यूट्यूब में क्लिक किया, मंत्र जाप किया। हाँ, आपने अच्छा एक याद दिलाया। तो पहले दिन हम जब मंत्र जाप किया, मुझे अचानक से लगा कि मेरे अंदर कोई एनर्जी जैसे ना तो मतलब मेरे शरीर से चला गया। फर्स्ट दिन ये भी याद आया, आपने याद दिलाया, अच्छा है ये मुझे लगा। फिर वो अचानक से एनर्जी फिर चला गया, तो मुझे लगा कि भगवान ये मैंने कुछ गलती कर दिया, कुछ महसूस हुआ। फिर तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये घटना है, 5 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मेरा नींद खुल गया तो मंत्र जाप हो रहा है, वो भी मुझे महसूस हुआ। और दूसरी बात, जब मैंने पापा को बोला, पापा गुरुदेव की परम पूज्य गुरुदेव की तस्वीर जो है
तो पापा फ्रेम करके लेके आ रहे थे, तो पापा बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि बहुत भीड़ था बस में ट्रेन में, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव अपना फोटो को खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना भीड़ में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बैग में अगर धक्का वक्का लग जाए तो, अगर तो बोल रहे थे मेरे आसपास में आदमी भटक नहीं रहा है भीड़ में। तो ये भी पापा बोले थे। मेरा मतलब खाना पीना इतना नहीं हो रहा था, तो मेरा जुबान जो है, टंग जो है वो सफेद हो गया था, तो फिर से रेड रेड लाल कलर का जो है वो आ गया फिर से। यस, रक्त का प्रभाव सब जगह समान रूप से संचारित हो रहा है। पहले हमको लग रहा था कि हमारा लीवर ही डैमेज है, लीवर ही डैमेज है। एक दिन हुआ कि अभी याद आया फिर से, रात को 11-12 बजे ऐसा होगा, अचानक से मुझे लगा कि मेरे सर से है ना 1000-1000 वाट जैसे करंट फ्लो कर रहा है। तो मैंने बोला हे भगवान, गुरुदेव गुरुदेव भगवान, मुझे तो लग रहा था मेरा लीवर डैमेज है, अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेन में भी डैमेज है। तो वो मतलब शुरुआती समय में मतलब लग रहा था कि 1000-1000 वाट करंट पूरा एकदम पास कर रहा है, और पापा ने खुद देखा कि मेरे ये सर है ना स्कल, ये जो कर क्या हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, इसको स्कल बोलते हैं इंग्लिश में, स्कल जो है ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा था ऐसे ऐसे। यस यस, यही ब्रह्मरंध्र है बोलते हैं, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन होता है, बचपन में जब रहते हैं तो बहुत सॉफ्ट रहता है, धीरे धीरे कभी कड़ा हो जाता है। अब मृत्यु के बाद कपाल क्रिया भी इसी में की जाती है, इसी ब्रह्मरंध्र को खोलने के लिए। तेजी से वाइब्रेट हो रहा था पूरा एकदम, पापा देख रहे थे कि वाइब्रेट हो रहा है। और मुझे लगा कि एकदम 1000-1000 वाट जैसे करंट मेरा से एकदम फ्लो हो रहा है एकदम यहाँ से। तो मैं उठ के बैठ गया, इनफैक्ट मेरा मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा मतलब हालत इतना खराब था, नाक में जो म्यूकस है वो इतना मोटा हो गया था, मेरा नाक बंद हो जाता था, वो भी पतला हो गया पहले से। और मुझे लगता है कि मेरा कभी भी नाक बंद होता तो ऐसा कुछ क्रिया होते हैं यहाँ पे वो खुल जाता फिर। यस। और देखिए हम लोग सर्दी होने से इनहेलर ले, ये ले, वो ले, नाक जाम हो गया, यहाँ गुरुदेव ऑटोमेटिक कुंडली शक्ति योग करा रही उस पर्टिकुलर पॉइंट। जगत जननी मातृशक्ति, गुरुदेव एक जगह बोलते हैं, बोले हैं कि जगत जननी है, मातृशक्ति है, एक सारा यूनिवर्स की क्रिएशन की कारण है वो मातृशक्ति, तो उनके पास वो जगत जननी के पास रोग क्या चीज है। यस, रोग कोई बड़ी बात है, ऐसे गुरुदेव बोलते हैं, वीडियो में देखा मैंने, सुना है। गुरुदेव की मेरे को कुछ कुछ चीज लगता है कि जब बात करते हैं तो कुछ कुछ बात है उनकी अमृतवाणी जो है बहुत मतलब उसमें एक जो बोलते हैं ना ह्यूमर जैसे टच भी करते हैं, एक जगह ह्यूमर है जैसे देखिए जब गुरुदेव योगेंद्र महर्षि योगेंद्र मत्स्येंद्रनाथ जी महर्षि योगेंद्र गोरखनाथ जी के बारे में जब प्रसंग में बोलते हैं तो बोलते हैं कि एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ पर्वत में बैठे और माता पार्वती इस भगवान शिव को प्रार्थना करे कि हे महाराज आप तो अपना तो जन्मते हैं ना मरते हैं, ये मैं बार बार जन्मता हूँ मरता हूँ फिर आपके साथ ये मेरा पीछा छुटवा दी ना। तो उनका जो बोलने का जो वो देखिएगा तो मैं तो हंस पड़ता हूँ किस तरीके से बोलते हैं। तो उनका बोलने का जो गुरुदेव का जो ह्यूमर वहां पे बहुत सुंदर। तो फिर बाद में गुरुदेव यही बोलते कि उन्हीं का आदेश है कि ये दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है और आप और तुम वेस्ट में जाओ। यस। तो
मतलब गुरुदेव की जो वाणी है मतलब सुनते हैं तो अमृत वचन अमृत कथन शाश्वत वाणी यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोग तो कुछ है ही नहीं, बस वही गुरुदेव परम समर्थ परम पिता परमेश्वर गुरुदेव उनके प्रकाश में हम प्रकाशित हो रहे हैं, अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। तब जब आपकी माता श्री भी कुछ बोलना चाहती है, आपके पापा को भी बताइए बुलवाइए कुछ गुरुदेव के बारे में एक दो लाइन बोले, मम्मी को थोड़ा हिंदी बोलने में ना बांग्लाते बोलो ना, हमारा बांग्लाते सुने नहीं वो कोई असुविधा नहीं एक दो लाइन गुरुदेव गुरुदेव संपर्क बोलुक माँ बोलुक माओ तो गुरुदेव आराधना आराधना करछे एक तो सारा जगत जानुक जय गुरुदेव जय गुरुदेव माँ जी बोलुन आपनी बोलुन आपनी माने गुरुदेव गुरुदेव संगे माने থেকে আপনার মানে জীবনে কি পরিবর্তন হয়েছে বা আপনার বিশ্বাস গুরুদেবের উপর কতটা কতটুকু আছে সেটা বলুন। মাঝখানে আমি খুব মানে অ্যাংজাইটিতে ভুগছিলাম ভীষণ, মানে সকাল থেকে উঠতেই পারতাম না, প্রচুর শরীর খারাপ লাগতো, মানে মাথা কেমন করতো, হয়তো মনে হচ্ছে যেন একটু যেন একটু আশার আলো আমি দেখছি, একটু আমি আশার আলো দেখছি, মানে শরীরে জোর পেতাম না একদম, কান্নাকাটি করতো সারাদিন, এবার মাথা কেমন করছে আমি উঠতে পারছি না বিছনা থেকে, ওর বাবা রান্না বান্না সব করতো, ওই সারাদিন গুরুদেব গুরুদেব সারাদিন করি, গুরুদেব ভালো করে দিন সবাইকে, সবাইকে ভালো রাখো। বিকি ভাই সাহেব আপসে রিকোয়েস্ট হে আপ থোড়া হিন্দি সমঝায়ে হম লোগো কো। গুরু বহন বল রহি হ্যায় কি মানে উন চোখে বল বল বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়, মনে হচ্ছে গুরুদেব জি সামনে ফটো আছে আমাদের এখানে, মনে হচ্ছে যেন আমাদেরকে মানে সব সময় উনি দেখছেন, আমাদের মানে আমরা কি করছি না করছি উনি সব দেখছেন লক্ষ্য করছেন, মানে ও গুরু বহন বল রহে কি গুরুদেব সব সময় গুরু উনকে সাথই হ্যায় উনকে ঘর মেই হ্যায় আপনার বাড়িতেই গুরুদেব আছেন। হ্যাঁ আর ছেলের অবস্থা তো খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল একদম, ভীষণ খারাপ, প্রচন্ড খারাপ একদম, মানে আমরা নিরাশা হয়ে গেছিলাম একদম। এখন কি দেখছেন মানে দু মাস পরে ঠিক হয়েছে ছেলে আপনার মনের মধ্যে? ছেলে তো অনেক কিছু বলেছে, আগের থেকে দেখছি একটু ভালো আছে, সত্যি অনেক ভালো আছে, সব গুরুদেবের অনেক ভালো আছে, আগে ও কথা বলতো না, ঘর থেকে বেরোতো না, কিছুই করতো না, খাওয়া দাওয়া সব সবসময় অন্ধকারে থাকতো। চলুন, মানে একটা গুরুদেব কোথাও আপনাকে যেতে হলো না, আপনি বাড়িতে বসে আছেন, শুধু ইউটিউবের মাধ্যমে একটা গুরুদেবকে পেলেন, কাউকে এক টাকাও দিতে হলো না, ঠিক আছে, আর আর বাড়িতে সব সময় গুরুদেবটা চলে এসেছে, গুরুদেবের নাম যেখানেই যাচ্ছি, গুরুদেবের নাম যেখানেই যাচ্ছি, রাস্তা থেকে বেরোলে বা বাড়িতে গুরুদেবের নাম, সকালে উঠে ধ্যান যতটুকু পারি গুরুদেবকে বলি যে গুরুদেব আমি যতটুকুন পারবো আমি চেষ্টা করবো করার, আপনি আমাকে শুধু শক্তি দেন একটু, আমি করব, মনে জোর দিন একটু, ব্যাস। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, আপনি গুরুদেবকে প্রার্থনা করুন, গুরুদেবই সবকিছু করাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুরুদেবকে ডাকি সবাইকে ভালো রাখুন, সবাইকে ভালো রাখুন। খুব সুন্দর গুরু। सबके घर में गुरुदेव पधारे तब संसार का कल्याण हो। हम लोगों को इस मेडिकल डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मेडिकल बिल्स हम लोग का ना बने, और साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति हो हम लोग के जीवन में। ये बोला मैं भूल गया था कि मेरा स्थिति इतना खराब था कि मैं घर अंधकार करके बैठता था, घर दरवाजा खोलता नहीं था, लाइट ऑफ रहता था, ऐसी आदत था, और एक जगह बैठ नहीं पाता था, कंटिन्यूअस मूव करता था, इतना रेस्टलेस था। अभी मैं देख जय गुरुदेव। गुरु भाई
विजय लक्ष्मी गुरु बहन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, आप मुझे बताओ कि आप और भी पूजा पाठ करते हो क्या, कि सिर्फ, या आपकी फैमिली और भी पूजा पाठ करती है कि सिर्फ आप लोग गुरुदेव के ही अब कर रहे हो? बड़ी गुरु बहन प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी हम सिर्फ गुरुदेव की ही आराधना करते हैं। और आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स भी गुरुदेव की आराधना करते हैं। वैसे जो गुरुदेव जहाँ जहाँ पे स्थापना है वो थोड़ा अलग जगह साइड में, और पास में जो भगवान है वहाँ पे फूल देते हैं, फूल दिया जाता है, लेकिन ये है कि सभी गुरुदेव ही हैं। अच्छा, मतलब जो पहले भी पूजा, आप जो नित्य पूजा आपके घरों में होता था वैसे वो आप लोग अभी भी कर रहे हैं, पर गुरुदेव के प्रति भी श्रद्धा भक्ति के कारण ये परिवर्तन आपके जीवन में आ गया? हाँ, मैं घर में जो भगवान है उनको सिर्फ जो फूल देना वो फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग सुबह शाम गुरुदेव का ही आराधना करते हैं। जैसे शाम को हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, दोहे बोलते हैं, गुरुदेव की जय जयकार करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जो एक मोबाइल एक अपना एक नया वीडियो आया था गुरु पूर्णिमा के, तो पापा को बहुत वो जो जिन्होंने जो गीत गाए हैं उनका अच्छा लगा, मधुर मधुर नाम गुरु नाम गुरु नाम, तो हम बहुत सुंदर हम yes, yes, पापा मेरे पिताजी पिताजी और मैं एक साथ बैठ के वही गाना गाते हैं। इसके पहले आपका इंटरव्यू कब आया था गुरु भाई जी? मेरा 2 महीने पहले था शायद, मई की 10-11 तारीख का देख सकते हैं, मई का 10-11 को आया था। अच्छा अच्छा, मुझे वो वीडियो चाहिए। आपका बड़ा प्रभावशाली ये एपिसोड है आज। उस वक्त हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी। मैं 10-11 तारीख का जो है मेरे पास तो हाईलाइट है, मैं खुद ढूंढा था उस समय था। दूसरी बात यह कि उस समय मेरे गले में कुछ ताबीज भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे अंदर से कोई अंदर से बोल रहा कि खोल दो, तो मैं खोलना, मतलब माइंड इतना मतलब अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल कि थोड़ा सा इधर उधर हो रहा तो नेगेटिव चीज अटैक कर रहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके खोल ही दिया। आपका ये जो हेड वाला जो आपने बताया कि वो नेक के तरफ से कुछ पावर वैसा गया और सर पे पूरे सर का जितना भी नस है उसमें काम किया है ना, वेन में वाइब्रेशन हुआ, जानते गुरु भाई ये जो वाइब्रेशन वाला आपने बताया ना, बिल्कुल ऐसा ही मेरे भी माइंड में हुआ और मेरे पूरे सर पे होता था 10-15 दिनों तक लगातार हुआ है। और फिर मैं देखी कि मेरी थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गई और मेरी समझ भी बदल गई, बहुत मजबूत हो गई, और मुझे लगने लगा कि शायद मैं पहले किसी और चीजों से जकड़ी हुई थी और अब मैं उस जकड़न से निकल गई। बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू। आप बताओ और भी कुछ बताओ। जय गुरुदेव। हम लोग सुन रहे हैं, मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बैठ करके सीढ़ियों पर बैठ कर सुन रही हूँ। जो भी कृपा है बस गुरुदेव की है। अच्छा, मेरा स्थिति ऐसा था कि मैं सो नहीं पाता था, मतलब इतना नर्व डैमेज हो चुका है कि मेरा बॉडी एंजाइटी की तरह, मतलब मेरे को टच करता था मैं तो ऐसे मतलब होता था। वो स्थिति पहले से ठीक हो गया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे जब तंद्रा है, मैंने मतलब स्लीप में हूँ, मतलब आधी आँख आधी तंद्रा आधी नींद आधी ऐसा टाइप का कंडीशन में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभी जैसे गुरुदेव की जो तस्वीर है ना मुझे यहाँ पे दिखाई देता था, एकदम खुली आंख में नहीं, वो उस कंडीशन में मुझे लगता था कैसे क्लियरली दिख रहा है। एक आध बार मुझे लगा जैसे, हाँ ये लगा जैसे। इनफैक्ट जो योगी क्रियाएं होते हैं वो अभी भी कंटिन्यूअस मतलब होता है। कंटिन्यूअस
मतलब होता है। अब ये है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम लोग ही करता हैं, अंदर में ये आ जाता है कि ठीक है कर्ता भाव से कुछ बोलने गए कुछ करने गए, लेकिन वो भी मुझे ये मैसेज मिला कि तुम कर्ता ना बनो, कर्ता तो हम हैं, तुम दृष्टा बनो। तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु हे प्रभु मेरे अंदर में कर्ता भाव को भी खत्म कर दीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले तो मैं जीने का ही सोच नहीं रहा था, कि मैं तो मरने का चल रहा था कि मैं आज चला जाऊंगा कल चला जाऊंगा परसों चला जाऊंगा ऐसा चल रहा था। तो आज जब आपकी कृपा से गुरुदेव भगवान की कृपा से हम हैं, तो ये कर्ता कि मैं कुछ जज करूंगा कुछ बोलूंगा ये भी अंदर है, तो प्रभु इसको भी ले लीजिए, नहीं चाहिए हमको, अंदर खाली कर दीजिए। मैं कर्ता भाव जब मैं था ही नहीं कुछ दिन पहले, तो आप क्या मैं क्यों मैं हूं, तो मैं को खाली कर देना चाहिए, मैं नहीं आना चाहिए कहीं से ही। प्रार्थना गुरुदेव से मैं कर्ता भाव को नष्ट कर दीजिए, हमारे अंदर कहीं ना कहीं मैं और कर्ता भाव आ जाता है, कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। जितना मैं से दूर रहूंगा उतना गुरुदेव के पास रहूंगा, जी गुरु भाई बहुत सुंदर। गुरुदेव ने आपको अंधकार से, गहन अंधकार से निकाल के प्रकाश में लेके आके बैठा दिए गुरुदेव, बहुत सुंदर। गुरु भाई अनिल रमन जी, वो जो आपको इंग्लिश के सेंटेंस निकलते हैं ना, वो बताइए आप। अच्छा अच्छा जी, याद करा दिया आपने। और एक दिन हुआ क्या, मैं कुछ दिन मेरा मेमोरी अच्छा मेरा ये था, मेरा मेमोरी भी लॉस हो चुका था, मेरा मेमोरी भी कुछ याद नहीं रख पाता था। तो पहले दिन जब महसूस हुआ कि पापा आधार कार्ड का कुछ कराने गए थे चेंज कराना, तो उसमें कुछ आता है ना डेट टाइम, वो निकाल के देखना पड़ता है। तो मुझे लगा वो नंबर्स तो मेरे को याद नहीं रहता था, एक दिन देखा तो मुझे याद आने लग गया कि नंबर्स याद आ रहा है। तो मेरे को लगा कि मेरा जो ब्रेन फंक्शन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, नंबर्स याद आ रहे हैं। मैं देखा कि मैं पहले 10 डिजिट का नंबर याद लगता, एक आग देखने से मुझे याद आ रहा जा रहा है। तो हुआ क्या, एक दिन हुआ था कि मेरे पापा ने पूछा कि दार्शनिक मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तो ऐसा सोए सोए है। तो मुझे अचानक से निकल पड़ा विजनरी फिलान्थ्रोपिस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स निकल गए। फिर मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन पहले तो मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, ये अचानक से कैसे निकल रहा है। फिर मैं कुछ क्रेडिट कार्ड या कुछ प्रसंग में कभी फोन में बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे इंग्लिश निकल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये कुछ वर्ड्स ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि अचानक से कुछ वर्ड्स निकल जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा ये कैसे हो रहा है। फिर बाद में जब उस दिन बहन से बात हो रहा था, बड़ी गुरु बहन से, तो मैंने बोला हाँ, फिर से वही मैं सोचना चालू हो गया, मैं नहीं हूँ यहाँ पे भी, यहाँ गुरुदेव ही सब इंग्लिश निकाल रहे मेरे मुँह से। तो भी था कि मुझे, मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे, जब बात कर कुछ दिन पहले भी मैंने देखा क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में कुछ इशू हुआ था, मेरा अचानक से कुछ पैसे काट लिए थे, एनुअल चार्ज लगा दिया था। तो मैंने कंटिन्यूस उनसे बात किया इंग्लिश में और फ्लुएंसी आ रहा था। मैंने कुछ दिन पहले सोचा कि मेरा तो एकदम ये होता था मेरा, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स निकल गए। तो मैंने सोचा ये कैसे हो रहा है। चलिए गुरुदेव की कृपा से मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मस्तिष्क की सभी तंतु वगैरह सही से कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर। मैं मेरा मेमोरी भी मतलब वीक हो चुका था बहुत,
एक्चुअली जो क्रिया मेरे ऊपर किया गया था वो हर डायमेंशन में मेरे को डैमेज किया, साइकोलॉजिकल फिजिकल सब तरीके से डैमेज किया गया था। इस बारे में बस एक ही है कि जब लास्ट बार जब हमारे जो बंगाल के बड़े गुरु भाई हैं तपन कुमार दत्ता जो हैं हमारे, उनसे जब बात हुआ उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपका जो भी समस्या है जो भी है आप गुरुदेव को डायरेक्ट बोला कीजिएगा, थर्ड तृतीय व्यक्ति कोई आना नहीं चाहिए बीच में। तो मुझे यही लगा कि हर प्लेटफॉर्म में हर जगह में अगर माध्यम में हमको कोई उपदेश मिल रहा है तो गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मेरे ऊपर भटका हुआ, कुछ कारणवश मेरे पास ऊपर भटका हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सत्संग के जरिए या कोई दूसरे माध्यम के जरिए मुझे वो उपदेश मिला कि मेरा वो भटका हुआ हिस्सा हिस्सा घट गया है, भटका हो रहा था। सांसारिक जीवन में लोग जुड़े हुए रहते तो सांसारिक समस्या में जब ध्यान ज्यादा जाने लगता तो भटकाव आता है, लेकिन वो फिर से गुरुदेव की कृपा से भटकाव। तो कुछ दिन पहले इस प्रसंग में एक बात भी मुझे याद था कि गुरुदेव बोलते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ये बोलते हैं कि अरे गुरुदेव अनिर्वाण गुरु भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या गुरु भाई? कोई और कोई गुरु भाई बोले? पावर चला गया था जी। एक मिनट, एक गुरुदेव की परम पूज्य अमृत वाणी है जो याद आ रहा है कि गुरुदेव बोलते हैं कि ये साधना जो है इसमें भोग और मोक्ष दोनों ही मिलता है, और फिर गुरुदेव बोलते हैं कि निष्काम कर्म योग है गीता का। तो मैं ये थोड़ा सा मतलब जो सभी गुरु बहन गुरु भाई हैं इसमें थोड़ा सा गुरुदेव की जो मतलब जो गुरुदेव ने जो आलोकपात किए हैं निष्काम कर्म योग और इस साधना के साथ निष्काम कर्म योग का जो कनेक्शन है अगर विस्तारित किया जाए, ये एक मेरी विनती होगा जी गुरु भाई। निष्काम कर्म योग, निष्काम योग, इस पर तो मैंने विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज सेशन का समय हो चुका है तो इस प्रश्न को हम लोग कल के लिए रखें। यस यस। और सभी गुरु भाई, मुझे निर्वाण भाई से ना 2-3 प्रश्न करने हैं, छोटी छोटी प्लीज आप जवाब दें। निर्वाण भाई आपको ऐसा मतलब आपके एज तो बहुत कम है पर ऐसा कैसे हो गया आपको अचानक से इतना मेंटल प्रॉब्लम और ये सब कैसे आया? अब बंगाल में आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे चीज हैं, उसमें से एक चीज है तांत्रिक विधि। अच्छा, ये तांत्रिक विधि किया गया था मुझे, जिसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे बिहार बंगाल में जो लोग रहते वो जानते हैं, इसको बाण बोलते हैं। बाण मैं जानती हूँ, मैं तो झारखंड से हूँ ना, वो झारखंड से है तो इसको बाण है। हाँ, बोकारो तरफ से हूँ ना। अच्छा, मुझे हाँ, पता बंगला कल्चर मुझे पता क्या था। तो ये किसने मारा और क्या मारा ये भी पता चल गया क्या आपको? हाँ मुझे पता चल गया, मेरी आंटी है, खुद की आंटी, तो हम लोग बांग्ला में काफी बार बोलते हैं। ये किसने आपको बता दिया कि उन्होंने ऐसा कर दिया या कैसे करा?
कोई भी सूत्र से पता चला था, लेकिन जब हमने उनको काउंटर अटैक किया कि आपने किए, तो वो लोग पूरा साइलेंट पड़ गए। वो लोग कुछ बोलने ही नहीं है, उनके उन्होंने सब लोग के साथ संपर्क ही छिन्न कर दिया। तो गुरुदेव ने भी आपको कुछ आभास करवाया क्या उनसे? नहीं, घटना चक्र ऐसा था कि बड़ी गुरु बहन ये बोलते हैं कि जब हमने कुछ गलत, जब रास्ते में भी जुड़ गए थे, सही लोग नहीं थे, उन लोग ने ये बाण का जो है ना, बाण का काटा, बाण काटा नहीं था मेरा, तो मेरा एक दोस्त भाई, के साथ मैं रोकना चाहूंगा इस विषय पर। एक्चुअली मैंने इस विषय पर बात ना किया जाए, YouTube प्लेटफॉर्म में शेयर होगा तो आपके मैंने किसी फैमिली मैटर्स से रिलेटेड बात ना किया जाए। जय गुरुदेव, एक मिनट, मैं निर्माण भाई से कुछ बोलना चाहती हूँ कि जो आप बंगाल में रहते हैं ना, वहाँ तांत्रिक बहुत होती है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगी कि जब आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों पे नहीं देखें, सीधा आंखों से आंखें मिला के नहीं देखें। तांत्रिक विद्या में सबसे बड़ा यही मैंने देखा है कि पढ़ा जो भी की तांत्रिक वाले आपकी आंखों से ही आपको कंट्रोल करके और आपके सब कुछ करते हैं। तो आप जब भी किसी से जहाँ ऐसी घटना, तो उसकी तरफ नहीं देखें, इधर उधर देखें, बातें सुनते रहिए। मैं पहले क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लो में निकल गया, लेकिन इस वीडियो को जब अपलोड किया जाएगा तो इसको एडिट किया कर दिया जाए, इसको एडिट कर दिया जाए काइंडली। एक और बात बताना कि जिन पर भी आप लोगों को शक है, अभी तो श्योर नहीं है, तो जो आपको जानकारी है, तो उनकी स्थिति बिल्कुल पहले ही के जैसे अच्छी है या फिर गड़बड़ कुछ हुई उनकी भी? देखिए, जिन लोगों के ऊपर शक है, इतना बोल सकते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए उनके जो तस्वीर आए हैं, जब देखे हमने तो मुझे ये लगा कि वो लोग काफी टेंशन में हैं। अच्छा, बस यही बात मुझे जानना था, क्योंकि फेस से आपको पता चल जाएगा कि भाई आदमी टेंशन में है। मतलब दूसरा आदमी जैसे साइड में हंस रहा है तो वो जैसे लग रहा है कि एकदम मुंह सूख गया है। बड़ी अच्छी, बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, और भी लोगों को मैं शेयर करूंगी इस वीडियो को। बड़ा हम ये पूछते हैं कि मुझे ये भी एक मैसेज मिला है, गुरुदेव ने ही मुझे मैसेज दिया है। मुझे यही लगता है कि जो कांटा देता है हम उसको फूल ही दें, तो कांटा उसके लिए ही त्रिशूल बन जाएगा। तो हम गुरुदेव की टिकट में आते हैं। जय गुरुदेव, एक और बात एक मिनट के लिए बोलना चाहूंगी इनसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आप हरदम जहाँ भी निकले, कहीं भी जाएं, गुरुदेव को, वैसे तो गुरुदेव सबके साथ ही रहते हैं, इतना मुझे पूरा विश्वास है, उनको फिर भी आप अपने साथ ही लेके चलिए, तो आपको आपकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। सेशन का भी समय हो चुका है, हिंगू जी गुरु भाई चले आए हैं। अनिर्बान गुरु भाई से अनुरोध रहेगा कि डेली जुड़िए, सेशन से जुड़िए और गुरु सत्संग कीजिए। चलिए हिंगू जी गुरु भाई जी, आप सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। काइंड, मैं फिर से क्षमा याचना करता हूँ, एरिया थोड़ा काट कर दीजिएगा, एडिट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, वी विल ट्राई। हाँ, हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।